जय हिंद। नमस्कार, क्या हाल है भाई आप सभी के? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हमारी क्लास शुरू हो चुकी है आपके अपने परिवार एग्जाम विद्यालय यूट्यूब चैनल पर, और बहुत अच्छे से हम चीजों को पढ़ेंगे। देखिए, आपके सामने मैं लेके आ चुका हूँ। बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ALP 2024 को लेके। यहाँ पर जितने भी आज पहला मॉक टेस्ट है, डेली आपको इसी दिन इसी समय पर, यानी कि हर शाम 8 बजे ये आपको क्लास देखने को मिलेगी। आज बेसिकली इसको जल्दी कर दिया गया है, हम देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमसे रेगुलर कनेक्टेड हैं। तो आज उस सिलसिले में आज ये क्लास थोड़ी जल्दी हो चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल से हमारी डेली क्लास हुआ करेगी शाम को 8 बजे, तो जुड़ना मत भूलना हमारे साथ में, बहुत मजा आने वाला है। आज हम मैथ्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। जितना भी आपने अभी तक ALP के बारे में पढ़ा है, जितना भी ALP के मैथ्स के बारे में आपने डिसीजन लिया है, वो सभी आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी। तो मेरा नाम है आकाश शेखावत और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ALP को लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की। कई बार मुझसे बोला है कि सर जल्दी से क्लास लेके आइए, जल्दी से क्लास लेके आइए। तो इसीलिए हम क्लास लेके आ चुके हैं, बिल्कुल लाइव, ठीक है, लाइव क्लास लेके आ चुके हैं। तो मॉक टेस्ट पहला रहेगा आपके सामने, ठीक है, जिसमें हम क्या जानेंगे बच्चा, मैथ्स को लेके जानेंगे। हम मैथ्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे यहाँ पे बनेंगे, उसके बारे में सिलसिला करते हैं चालू। तो चलिए, जुड़ना मत भूलना। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को लेके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, इसका कौन आंसर देगा? बहुत ही शानदार सवाल है, पूछा जा रहा है। एक बार मैं देख लूं सब कुछ ओके है या नहीं है। चलिए, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। चलिए भाई, सब कुछ ओके है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मुझे जल्दी से फटाफट से इसका प्रश्न का आंसर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देखिए कि वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 रुपए हो गया है, तो कितने परसेंट उसमें वृद्धि हुई है, ये हम जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या सारी चीजें क्लियर है, यस और नो? चलिए जल्दी से मुझे बताएंगे। जल्दी से ओके, क्या सारी चीजें क्लियर हैं? आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए देखिए, प्रश्न है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। एक मिनट रुकिएगा जरा। हटा दे। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को लेके, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा मिसमैच हो गया था। ओके, सब कुछ ओके है, रेडी है? चलिए, माफ कीजिएगा, थोड़ा मिसमैच हो गया था इस चक्कर में। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन में यह बोला गया है कि वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से लेके 48,150 हो गया है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। देखिए मेरी बात सुनो, यहाँ पे सिंपल तरीके से यह बोला गया है कि पहले उसका वेतन कितना था, आप कहेंगे सर पहले जो वेतन था वो कितना था, 45,000 रुपया था, अब कितना हो गया है, आप कहेंगे सर 48,150 रुपया हो चुका है। अगर मैं जीरो से जीरो को काट दूं तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4500,
का वेतन कितना हो गया है, 4815 हो गया है, ठीक है, कितना बढ़ गया है ये प्रश्न पूछा गया है, कितना बढ़ गया है। तो आप कहेंगे सर जो वेतन बढ़ा है वो 315 रुपया बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 4500 पर बढ़ा है, मल्टीप्लाई परसेंट के लिए 100 कर देंगे, 00 से 00 काट देंगे, यहां से सिंपल सी आप काटेंगे तो यहां पे कितना आएगा 77% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कोई डाउट है, ऐसे प्रश्न अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न पूछा गया था आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 में ये प्रश्न पूछा गया था जिसमें बोला गया था, सेम प्रश्न में उठा के लेके आऊं, कोई भी मैंने चेंजेस नहीं किया है। तो ऐसे अक्सर कर प्रश्न एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो क्या सारी चीजें क्लियर है हमारे और आपके बीच में, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? ओके, वेरी गुड, सभी की क्लियर आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही दमदार प्रश्न है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। बताइए किसी बॉक्स में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका रेशियो दे रखा है 9:5। अब बोला गया है कि जिनकी कुछ धनराशि है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई एक बॉक्स है, अब उस बॉक्स में 50 पैसे के भी सिक्के पड़े हुए हैं और 25 पैसे के भी सिक्के पड़े हुए हैं, परंतु उसमें यह बोला गया बच्चा कि जो रेशियो है ना वो 9:5 के अकॉर्डिंग पड़े हुए हैं। अब मैंने टोटल अमाउंट देखा तो उसमें कितना है, 207 रुपया है। अब मुझे यह पता करना है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए इसके दो तरीके होते हैं निकालने के, दो तरीके क्या हैं, सिंपल सी बात यह है कि देखिए एक तो है 9:5 अनुपात निकालना है, ये कितने का था भाई 50 पैसे सिक्के का और ये कितना था बच्चा, आप कहेंगे सर 25 पैसे का, बात क्लियर है, मुझे अमाउंट किसका चाहिए 9 पैसे वाले का, तो मैं ऐसी इनमें से कोई ऐसे डिजिट देखूंगा जो 9 से डिजिबल होगी, 9 से विभाजित होगी। अब मेरी बात सुनो, कैसे पता लगाएंगे, 9 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसका अंकों का योग 9 हो या 9 से विभाजित हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 और 2 8 और 2 10, ये नहीं हो सकती किसी कीमत पर, पहली बात सुन लो। दूसरी बात कहेंगे तो ये कितना है बच्चा 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये नहीं हो सकती। अब कितना है 5 3 और 2 5 और 4 9, ये हो सकती है, और 8 और 1 9, यानी कि इन दोनों में से ही मेरा कोई ना कोई आंसर होगा। अब एक बात और कंफर्म होगी, अब क्या कंफर्म होगी, एक बात और मुझे देखनी है, यानी कि सर इससे तो व्यवस्था नहीं बनेगी, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, देखिए 25 पैसे और 50 पैसे का मामला है, तो देखिए मैं इसको इस तरह से कर सकता हूं, अगर मैं 50 का गुणा करूं, मैंने कहा कि भाई 50 के हिसाब से 50 पैसे 9:5 में बटे हुए, तो टोटल कितने होंगे 9 5 45, 450 और 25 की क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और 25 5 कितने होते हैं 125, क्या ये बात क्लियर हो गई, दोनों की क्वांटिटी मैंने निकाल दी, अगर मैं बच्चा दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 575, 575 आएगा बच्चा, परंतु ये किसकी वैल्यू है, तो आप ये कहेंगे सर ये 207 की है, क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या जल्दी से मुझे बताइए फटाफट से, क्या ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि दोनों को मिला के कितने बन रहे हैं 207 मल्टीप्लाई 100 का सर क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चा पैसा का दे रखा है, इसमें है रुपए, तो रुपए को हमें पैसे में कन्वर्ट करने के लिए कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां से एक यूनिट की जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर एक यूनिट की जो निकल के आएगी वैल्यू वो कितनी आएगी 36, और मुझे चाहिए कितने की, मुझे चाहिए 9 की, तो 36 मल्टीप्लाई अगर मैं 9 करता हूं तो 9 6 54 और 9 3 27 और 5 आपके होंगे 32, तो 324 इज द परफेक्ट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है किसी व्यक्ति को तो मुझे जल्दी से मुझे फटाफट से बताइएगा, आई होप किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, जल्दी से मुझे फटाफट से बताएंगे क्या सारी चीजें क्लियर हैं, यस और नो। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बेहतरीन, उम्दा प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया है इस क्लास में, वेरी गुड। ऐसे सभी लोग, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग कमेंट करेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, डेली क्लासेस हुआ करेगी हमारी,
ठीक है, एएलपी को। और याद रखना, अभी तक जिस व्यक्ति ने, जिस भाई बहन ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काही देर कर दो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, चीजों को बदलेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जो काफी शानदार रहने वाला है, जल्दी से मुझे फटाफट से बता दो ताकि डाउट क्लियर हो जाए। चलो भाई वेरी गुड, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से इस प्रश्न का क्या आंसर रहेगा। हमें जल्दी जल्दी प्रश्न करने हैं ना, हमें जल्दी जल्दी प्रश्न करने हैं। चलो भाई अब यहां पर प्रश्न पूछा गया है, अब इसके बारे में जरा हम डिस्कस करें। क्वेश्चन बोला गया वह कौन सी संख्या है जिसे 39, 52 और 60 से डिवाइड करने पर क्रमशः 30, 43 और 51 बचते हैं। देखो मैं ये कहने वाला हूं, मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी एक संख्या ली, मैंने कोई भी एक संख्या लेता हूं, मैंने फॉर एग्जाम्पल में 8 संख्या लेता हूं, मैंने कहा भाई 8 है, ठीक है। अगर मैं इसमें मान लो मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 3 × 6 यानी कि 2 शेषफल बचेगा, ठीक है। यानी कि ये शेषफल कब आया, ये शेषफल कब आया, अगर ये जो 2 कम होती या फिर 1 ज्यादा होती, यानी कि जो 8 संख्या है या तो ये 2 कम होनी चाहिए थी या 1 ज्यादा होनी चाहिए थी। भाई 1 ज्यादा होती तो ये डिवाइड हो जाता, यानी कि सर इतना मुझे समझ में आ गया इस सॉल्यूशन से, मुझे एक चीज समझ में आई वो क्या है, मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे ये कहूं, मेरी बात सुनो फटाफट से, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि वह कौन सी संख्या है जो 39, 52 और 60 से डिवाइड करने पर 30, 43 और 51 शेषफल बचाती है, तो एक बात बताओ मैं क्या करता हूं बच्चा, 39, 52 और 60 इन सभी का क्या ले लेता हूं, मैं एलसीएम ले लेता हूं, लीस्ट कॉमन फैक्टर लेता हूं। मैं ये चाहता हूं कि इन तीनों में से एक ऐसी संख्या निकाल दो वो तीनों से डिवाइड हो। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो कितना इसका एलसीएम आएगा जल्दी से मुझे फटाफट से बताएंगे। 39, 52 और 60 अगर मैं तीनों का एलसीएम निकालूंगा तो बच्चा इसका जो एलसीएम आने वाला है जल्दी से मुझे बताएंगे तो कितना आएगा बच्चा, 780 आएगा, ठीक है। 780 एक ऐसी संख्या बच्चा जो 39 से डिवाइड करोगे तो 30 शेषफल बचाएगी, 43 बचाएगी और 51 बचाएगी शेषफल, ठीक है। अब एक बात बताओ इनका अंतर कितना है, आप कहेंगे सर इसमें से देखो 60 में से 51 गए तो 9, 52 में से 43 गए तो 9 और 39 में से 30 गए तो 9, यानी कि 9 का मामला बैठ रहा है यहां पर। अगर मैं 780 में से ही 9 घटा दूं तो क्या सारी चीजें डिवाइड हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। तो कितना बचेगा बच्चा, 771 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 9 आपने क्यों घटाया, तो बच्चा मैंने 9 इसलिए घटाया है क्योंकि अगर मैं 9 नहीं घटाता तो ये कुछ ना कुछ शेषफल दे के जा रहे थे मुझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 39 को डिवाइड कर दूं भाई 78, ठीक है, तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर कितना बचेगा, 2 से डिवाइड कर दो भाई, 9 × 18, 3 × 6 और 1 × 7, ठीक है, तो क्या डिवाइड हो गया, आप कहेंगे सर नहीं हुआ। समझ में आया नहीं आया भाई, सिंपल सी बात है, 9 × 18 और 3 × 6 और 1 × 7, तो पूरी तरह से भाग चला गया, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं बच्चा 52 को अगर 780 में डिवाइड करता हूं तो पूरी तरह से जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब सिंपल सा इतना है, अगर 780 तो मेरा इसका क्या एलसीएम निकल के आया, अगर इसमें 9 ऐड करता तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। समझ में आया नहीं आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, जल्दी से मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देंगे, जल्दी से मुझे इसका क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे। चलिए भाई बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बच्चा। ओके 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 ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो चीजों को ध्यान रखेंगे, दो संख्याओं का रेशियो जो है हमें 3:8 दे रखा है, उसमें दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर जो रेशियो बनता है बच्चा वो कितना बनता है, 2:5 हो जाता है। तो उन संख्याओं का योग हमसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले उन संख्याओं को लिखेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:8,
उसमें मैं कुछ और जोड़ देता हूं तो जो रेशियो हो जाता है वो अच्छा 2:5 हो जाता है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना है। अब मेरी बात सुनो, मैं इन दोनों में अंतर निकालता हूं, यहां अंतर कितने का बना आप कहेंगे सर 5 का, यहां अंतर कितने का बना आप कहेंगे सर 3 का। मैंने कहा बेटा अंतर सेम कर लो, अंतर सेम करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बचेगा 9:8:24। यहां पे कितना बचेगा, यहां पे कितने का मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो 5 × 10 और 5×5 = 25। मैंने कहा भैया यहां पे मैंने कितना जोड़ा, तो आप कहेंगे सर आपने 1 जोड़ा, परंतु 1 मैंने नहीं जोड़ा, मुझे जोड़ना पड़ेगा कितना 8, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो बच्चा इन दोनों का पूछा जा रहा है आपसे क्या, आपसे इन दोनों का पूछा जा रहा है योग, तो 9 और 24 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 33, 33 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 × 24, 8 × 24 = 226, तो 264 जिसका होगा वही इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो 264 रन हमारे किसने बनाए थे, आपको पता होना चाहिए, 264 रन हमारे रोहित शर्मा द्वारा बनाए गए थे। कमेंट बॉक्स में लिख देना किस टीम के खिलाफ बनाए गए थे, ये एक जीएस का सवाल मैंने आपके सामने रख दिया, परंतु कोई बात नहीं, तो 264 इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ या हानि अर्जित किए 2 टीवी सेट 7200 प्रत्येक की दर से बेचे, यदि उसने इस टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा हो तो उसे दूसरे टीवी सेट को कितने परसेंट लाभ पर बेचा। बहुत ही शानदार उम्दा और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए भाई मुझे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे और जल्दी से मुझे इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि भैया इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। चलिए भाई जल्दी से मुझे बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो जल्दी से मुझे बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, एक बार फटाफट से स्क्रीन पर दिखा देंगे मुझे, है ना। चलिए भाई कोई बात नहीं, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करेंगे, फटाफट से कमेंट करने का प्रयास करेंगे भाई। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे भाई, वेरी गुड, लाजवाब प्रदर्शन है भाई, वेरी गुड। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि भाई इसका क्या जवाब रहेगा। चलिए देखो अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे ये कहने वाला हूं बच्चा, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो देखो यहां से सिंपल तरीके से हम चीजों को निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए कोई भी एक व्यक्ति है, उसने कहा कि भैया मैं देखो जितने रुपए में जो सामान लेके आया हूं, फॉर एग्जांपल मैं ये मान के चलता हूं कि भाई देखो मैं क्या बताऊं आपको, मैं चाहता हूं भाई मेरे एक ये हाथ में एक ये, अब मैं इन दोनों को जो मैंने चीजें खरीदी है इनको मैं जितने में खरीदूं उतने में मैं बेचना चाहता हूं, मैंने क्या किया ये वाली वस्तु, मैंने ये वाली वस्तु तो बेच दी 10% की हानि पर, तो मैं इस वाली में से कितना फायदा करूं कि मेरा जो लॉस हुआ है वो मुझे वापस मिल जाए। तो देखो मेरी बात सुनो, एक सिंपल सा मेथड हम अपनाते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो सिंपल सा मेथड क्या है, मैं आपसे ये कहूं कि देखिए बच्चा मेरी बात सुनो, मैंने जो बेची है, देखो मैंने इस दोनों चीजों को कितने रुपए में बेचा, मेरा SP1 और SP2 की अगर मैं बात करूं, मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, देखो 7200 रुपए में मैंने दोनों चीजों को बेचा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो 7200 रुपए में बेचा था पहली वस्तु को, वो कितने परसेंट की हानि पर बेचा था, तो आप कहेंगे सर 10% की हानि पर, यानी कि 90% की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 7200 रुपया हो गई। तो बच्चा 100% की वैल्यू उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो आप कहेंगे सर उस वस्तु का क्रय मूल्य था 8000 रुपया। क्या ये चीजें क्लियर हो गई, पहली चीज सीपी निकल के आया यहाँ पे, क्या पॉइंट क्लियर है, यस और नो में मुझे बताइए। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया देखो दूसरी वस्तु जो है मेरी, जिसका डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो क्या देखिए 8000 का तो ये है और 7200 रुपए में बिका, तो कितने का डिफरेंस आया, तो आप कहेंगे 10% का जो डिफरेंस आया था वो कितना आया था बच्चा, 800 रुपये आया था। क्या बात क्लियर है, नहीं है, आप कहेंगे सर बात बिल्कुल क्लियर है। तो मेरी बात सुनो, जो डिफरेंस आया था वो कितने का आया था आपको, तो आप कहोगे सर जो डिफरेंस आया था वो आया था मुझे 800 रुपए का, कितने पर आया था, तो आप कहोगे सर 7200, जो आपका क्या था आपका SP था,
800 और ये हो गया आपका कौन सा जो डिफरेंस आया था, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 का, तो यहां से सिंपल तरीके से जो वैल्यू निकालेंगे वो 12.5% इसका परफेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं यहां से, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका NTPC CVT 2 का ये प्रश्न है, और ये शानदार नहीं बल्कि लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको कर लिया। क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं? जल्दी से मुझे बताएंगे यस और नो, क्या सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए? ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए भाई वेरी गुड, लाजवाब प्रदर्शन आपके द्वारा यहाँ पे मुझे दिया गया है, ठीक है। चलिए भाई बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे और चीजों को हम समझने का एक बार फिर से प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मेरी बात सुनो, एक समचतुर्भुज का परिमाप जो 148 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 70 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, याद करने देखिए चीजों को समझने का प्रयास करो। अगर आपने ये ऐसे ही प्रश्न पूछ जाएंगे एलपी में, अगर आपने अभी तक अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बच्चा। यहाँ से प्रश्न अक्सर का भर भर के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और यकीन करो मेरा आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप अच्छे से पूरा मैथ्स क्लियर कर पाओ, तो यहीं पे जितने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको उतने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। देखो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में बोला क्या जा रहा है, देखिए इसमें बोला जा रहा है बच्चा समचतुर्भुज। अब चतुर्भुज तो हमें पता है जिसकी चार भुजाएं होती हैं वो क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है, परंतु यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है बच्चा समचतुर्भुज, यानी कि इसकी चारों भुजाएं जो होंगी वो समान होंगी। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं भुजाओं की बात करूं तो ये मैंने क्या बना दिया बच्चा, एक समचतुर्भुज, यहाँ पे मैं डायग्राम इसका बना देता हूं, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने समान चतुर्भुज बना दिया, यानी कि समचतुर्भुज बना दिया। अब इसकी भुजाएं क्या है, सब सेम है भाई, बिल्कुल सेम कर दी लो हमने, ठीक है। चलो भाई हमने सेम कर दी इसकी बजाय, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, जिसका परिमाप कितना 148 सेंटीमीटर है। बच्चा एक बात मुझे बताओ, कोई भी चतुर्भुज है उसका परिमाप क्या क्या दर्शाता है, यानी कि चारों भुजाएं हैं उसका योग ही क्या कहलाता है बच्चा, परिमाप कहलाता है। जितनी भुजाएं हो उन सभी भुजाओं का युगफल ही क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो बच्चे यहाँ पे भुजाएं कितनी है, चार, तो 4a हो जाएगा, यानी कि 4a की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 4a की वैल्यू जो होगी बच्चा कितनी होगी, 148। तो बच्चा a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 4 = 12, 4 × 7 = 28, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 37 हो गई। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट से थम्सअप कर दो एक बार, है ना। 37 हो गया, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जिसका एक विकर्ण 70 सेंटीमीटर का दे रखा है, अब मुझे यहां से विकर्ण इसको करेक्ट करना है, मैंने इसका क्या कर दिया बच्चा, विकर्ण बना दिया ये, ठीक है। देखिए पहले तो विकर्ण समझो, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण ये है आपका। अब बच्चा देखिए एक भुजा, इसकी भुजा क्या निकल के आई, इसकी 37 निकल के आई है, ठीक है। चलिए और एक विकर्ण आपका ये निकल के आएगा, यहाँ पे दो विकर्ण निकल के आए, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं विकर्ण की बात करूं, पहले बात सुन लो, क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का जो एरिया होता है ना वो होता है बच्चा 1/2, एक भुजा यानी कि d1 लिख देते हैं, दूसरी भुजा को d2 लिख देते हैं, ठीक है। तो d1 × d2 क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, इसका एरिया होता है, किसका, समचतुर्भुज का एरिया होता है, ठीक है, बात क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पे चलता हूं बच्चा विकर्ण को लेके, ठीक है। तो विकर्ण इसका क्या निकल के आएगा, यानी कि बच्चा फॉर्मूला होता है 4a², ठीक है, बराबर d1² +d2² इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 37 है, तो 4 × 37² ठीक है। d1 कितना बच्चा, d1 देखिए एक विकर्ण कितना दे रखा है आपको, 70, सेकंड विकर्ण निकालना है आपको, तो एक विकर्ण हम मान लेते हैं 70² × d2², ठीक है। यहां से हम d2 निकालेंगे, तो बच्चा देखो मेरी बात सुनो, यहां पे क्या है, 4 है, 4 को अंदर लिख देंगे तो 37 दूनी कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 74, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं ना इसको, बिल्कुल सही है, बराबर 70² × d2² ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसको ले जाओ यहां पर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा, a² - b² वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 74 में से 70 गए तो कितना बचा, 4 का स्क्वायर बचेगा यहां पर,
ठीक है, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 74 और 74 144 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सॉरी 144 हो जाएगा मल्टी, अब यहां पे अंडर रूट आ जाएगा तो कितना आएगा बच्चा 2 × 12, क्या सारी चीजें क्लियर हैं? तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 12 × 24, क्या चीजें क्लियर हो गई? D2 की वैल्यू कितनी आ गई 24, D2 की वैल्यू आ चुकी है और क्वेश्चन में पूछा गया है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे सिंपल तरीके से, आपको क्या करना होगा, D2 आ गया हमारा, D1 आ गया, तो 1/2 24 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 70 कर देंगे, तो 2 से कितनी हो जाएगा 12 × 12 = 84। तो ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर होगा भाई साहब, लाजवाब प्रश्न है। अगर ये प्रश्न अगर आपने नहीं किया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो जल्दी से कमेंट कर दो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, एक्सेप्ट एग्जामिनर में पूछ लिया जाता है और लाजवाब प्रश्न है भाई। मजा आया नहीं आया जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से कमेंट करके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाजवाब प्रश्न भैया, मजा आ गया। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और चीजों को समझने का हम प्रयास करेंगे, है ना। चलो भाई ओके ओके, चलो भाई शुरुआत करें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हूं। भाई कोई भी एक महिला है जो क्या कह रही है, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती है। यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कर दूं, क्या चीजें क्लियर हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए चलिए, तो मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हूं और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती हूं। यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर एक मिनट रुकिएगा, जरा कैमरे को मैं ठीक कर लेता हूं। हाँ अब सही है ना। ओके चलिए, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई भी एक लेडी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं और एक निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करती हैं। यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की साथ से वृद्धि कर लूं तो मैं गंतव्य समय पर कितने समय में पहुंच जाऊंगी, सिंपल सा ये प्रश्न पूछा गया है। तो मेरी बात सुनो कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि मैं है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, देखिए स्पीड क्या होती है, तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल सही बात है भैया। स्पीड कितनी थी इनकी 10, डिस्टेंस कितनी करनी है पता नहीं है और समय कितना है 2 घंटे, तो डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 20 किलोमीटर डिस्टेंस निकल के आ गई। यदि अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वृद्धि करती हैं, यानी कि बच्चा जो अब इनकी जो स्पीड रहने वाली है वो 10 की बजाय कितनी होगी 15 होगी, और डिस्टेंस कितना है आप कहेंगे सर 20 किलोमीटर है, और समय कितना लगेगा यही तो निकालना है, तो कितना निकाल देंगे यहां से, क्या सारी चीजें क्लियर हैं? तो 5 × 3 = 15 और 5 × 20 यानी कि टी की वैल्यू जो आ गई बच्चा वो 4/3 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 60 का, क्यों, क्योंकि बच्चा घंटे को हमें सेकंड मिनट में चेंज करना है, तो कितना आ जाएगा 20 × 60 यानी कि टी की वैल्यू जो निकल के आई है यहाँ पे कितनी आई है 80 मिनट निकल के आया है, ठीक है। अब 80 मिनट ये अभी की है, 80 मिनट तो ये अभी का समय है, परंतु पहले का समय कितना था 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब कितना है 120 मिनट। तो बच्चा इसमें बोला गया है कि कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे, जो पहले 120 मिनट में पहुंचते थे वो अब 80 मिनट में पहुंच रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कितने समय बचा लिया, तो आप कहेंगे सर 40 मिनट उन्होंने बचा लिया है, तो 40 मिनट सेव कर लिया। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पर बने रहिए, बाकी हम क्लास करेंगे कल मिलेंगे, बाकी इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, थैंक यू।